हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉक मार्केट विद देव। तो आज का ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग डिविडेंड के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कौन से स्टॉक सबसे अच्छा डिविडेंड पे करता है, चाहे वो एनएससी में हो या बीएससी में हो। लेकिन हम एक स्टॉक में सिर्फ डिविडेंड नहीं देखेंगे, हम देखेंगे डिविडेंड के साथ साथ ग्रोथ कैसा है कंपनी का। क्योंकि ऐसे कई बार होता है, हम एक स्टॉक डिविडेंड देख के खरीद लेते हैं लेकिन उसका ग्रोथ कुछ खास होता नहीं है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमें लॉस हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक स्टॉक खरीदा है फॉर 100 रुपीज और ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर वो स्टॉक गिर जाता है 290, तो अगर स्टॉक 10 पॉइंट गिर जाता है और हमें डिविडेंड मिलता है 5-6%, तो अल्टीमेटली ईयरली हमें लॉस ही हो रहा है। तो सिर्फ डिविडेंड देख के फायदा नहीं है, डिविडेंड के साथ साथ और एक चीज जो हमें देखना पड़ेगा वो है ग्रोथ। और अल्टीमेटली हम कुछ स्टॉक्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जिसमें हम अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना, जिसका हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। और इस वीडियो को आप अपने दोस्त और रिलेटिव के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो जब भी हम डिविडेंड के बारे में सोचते हैं तो इंडियन स्टॉक मार्केट का स्पेसिफिक कुछ कंपनीज का नाम हमारा दिमाग में आता है, जैसे कि एनटीपीसी, कोल इंडिया, गेल, रिलायंस वगैरह, ये सब, क्योंकि ये रेपुटेटेड कंपनीज है, ट्रस्टवर्दी है। लेकिन क्या इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट मूव होगा? ऑब्वियसली सिक्योरिटी है, लेकिन अगर हम इन कंपनीज का ग्रोथ देखें ओवर द पीरियड ऑफ 10 इयर्स और डिविडेंड का परसेंटेज भी देखें, तो कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में जो इन स्टॉक्स से काफी ज्यादा बेहतर है। जैसे कि अगर हम एनटीपीसी को अगर हम यहाँ देखें चार्ट में, तो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो पिछले 10 साल में ये स्टॉक कहीं नहीं गया, जहां था वहीं पे है। 2007 में, ऑलमोस्ट 16 इयर्स पहले, जो हाई प्राइस था अभी भी वही हाई प्राइस है, उसके ऊपर मार्केट कभी गया ही नहीं। अभी रिसेंटली कोविड के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया है, लेकिन फिर भी हाई प्राइस से नीचे ही है। तो अल्टीमेटली अगर किसी ने 2007 या 8 में या 10 में भी इन्वेस्ट किया होता है स्टॉक में, उसको ग्रोथ वाइज कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा भले ही स्टॉक्स आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें ग्रोथ कुछ भी नहीं है। तो अगर 10 साल आपका पैसा किसी जगह पे रुका हुआ है, वो अल्टीमेटली लॉस ही है। अब दूसरा चीज जो हमें देखना है या ध्यान में रखना है डिविडेंड ईयर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते टाइम, वो है स्टॉक का एज। तो ऐसे कई सारे न्यूज या आर्टिकल में हमें देखने को मिल जाता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक ने हमें एक अच्छा खासा डिविडेंड दिया है, और उसी न्यूज को देख के हम एक्साइटेड होकर वो स्टॉक खरीद लेते हैं। लेकिन बाद में हमें जाके पता चलता है ये स्टॉक नया है और जो डिविडेंड अनाउंसमेंट हुआ है वो जस्ट नया डिटेलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए था। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस टाइप का स्टॉक 100% काम नहीं करता, हो सकता है काम करे, लेकिन हमें सेफ्टी के लिए एक स्टॉक का एटलीस्ट पिछले 5 साल का डिविडेंड देखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंपनी है फ्रॉग सेलसेट, और ये कंपनी डिविडेंड के लिए रिसेंटली काफी फेमस हो रहा है। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो इस स्टॉक को अभी भी 1 साल नहीं हुआ, और इसी के अंदर जस्ट बिकॉज एक बार एक अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया है, जरूरी नहीं कि अगले बार या उसके अगले बार हमें सेम डिविडेंड देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे डेटा दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा, 2021 में इसने कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, बट 22 में अचानक एक बहुत ही बड़ा डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसके वजह से कंपनी का एक अच्छा खासा प्रमोशन हो गया और लोग इस कंपनी में काफी इंटरेस्ट लेने लगा है, क्योंकि एक अच्छा डिविडेंड ईयर स्टॉक्स की कैटेगरी में आने लगा है। बट जैसे हमने बोला था, सिर्फ 1 साल के डिविडेंड के बेसिस पे हम स्टॉक नहीं सिलेक्ट कर सकते। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखा दिया है कि क्या गलतियां होता है डिविडेंड ईयर स्टॉक्स ढूंढने के टाइम पे, और होपफुली नेक्स्ट टाइम से आप वो नहीं करोगे। अब हम देख लेंगे ऐसे कुछ कंपनीज जो सिर्फ डिविडेंड ही अच्छा नहीं देता बल्कि पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा ग्रोथ भी हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं डिविडेंड और ग्रोथ दोनों चीजों को देखते हुए जो स्टॉक मेरे नजर में सबसे पहले आता है वो है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक का चार्ट अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको नजर आएगा 2003 में कंपनी स्टार्ट हुआ था, जब इसका स्टॉक प्राइस था अराउंड 70-80 रुपीज, और आज के डेट में स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट 300 है, जो कि ऑलमोस्ट 500% का ग्रोथ है। 2020 में ऑब्वियसली कोविड के वजह से स्टॉक प्राइस काफी नीचे आया था, जो कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी था लोगों के पास इन्वेस्ट करने के लिए, और 2020 से अगर अभी का प्राइस कैलकुलेट किया जाए तो 100% से भी ज्यादा रिटर्न है ये। और अगर फंडामेंटल्स देखा जाए तो इस कंपनी को रैंक 1 माना जाता है इन मेटल्स एंड माइनिंग कैटेगरी, और ये कंपनी पूरा वर्ल्ड में सबसे सस्ते में जिंक प्रोड्यूस करता है, और ये कंपनी एक सब्सिडियरी कंपनी है वेदांता का, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड डिविडेंड यील्ड कंपनी, जो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम हिंदुस्तान जिंक को देखते हैं। अभी अगर हम डेब्ट देखते हैं इस कंपनी का वो है 11,881 करोड़, लेकिन अगर हम मार्केट कैपिटल देखते हैं वो है 1,30,000 करोड़ से भी ज्यादा। तो मार्केट कैपिटल के कंपैरिजन में डेब्ट कुछ भी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रोमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 65% है, विच इज अ वेरी गुड साइन, और गवर्नमेंट के पास 30% के आसपास है। अभी अगर हम डिविडेंड देखें तो पिछले 5 साल में इस कंपनी ने काफी अच्छा डिविडेंड दिया है। 2019, 20, 21, 22 में थोड़ा कम था,
बट 23 में बहुत ही अच्छा डिविडेंड दिया है। तो ओवरऑल ये कंपनी मेरे हिसाब से काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। अब हम अगले जो कंपनी देखेंगे वो है हिंदुजा ग्लोबल। हिंदुजा ग्लोबल का चार्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। 2007 के एंड में ये कंपनी एनएससी में रजिस्टर्ड हुआ था और उसके बाद नेक्स्ट कुछ साल थोड़ा स्लो रहा है एंड अराउंड 2014 इस कंपनी ने एक अच्छा मूव दिया है। अगेन 2018 में ये कंपनी अच्छा मूव दिया है और 2021 में आप देख सकते हो इस कंपनी में कैसा ग्रोथ हुआ है। तो ग्रोथ वाइज तो ये कंपनी बहुत अच्छा है। अब हम फंडामेंटल्स देख लेंगे। प्रेजेंटली इस कंपनी का ऑलमोस्ट 7 कंट्रीज में बिजनेस है इंक्लूडिंग यूएसए, यूके, यूएई एक्सेट्रा। 2021 में इस कंपनी का ज्यादा ग्रोथ हुआ था क्योंकि हेल्थ केयर बिजनेस में इनको सेल करने का अप्रूवल मिल गया था। बाकी डिटेल इस कंपनी के बारे में आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो। और अभी अगर हम डिविडेंड देखें इस कंपनी का पिछले 5 साल में तो आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रेजुअली डिविडेंड इंक्रीज हुआ है और 2022 में इस कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया था अराउंड 2200% का। इस कंपनी का भी अच्छा खासा डेप्थ है, मार्केट कैपिटल का ऑलमोस्ट 1/5। मेरे हिसाब से ये एक नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी का। बाकी अगर हम बुक वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू देखते हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि करंट प्राइस से ये काफी ज्यादा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस कंपनी का काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि प्रोमोटर्स होल्डिंग ऑलमोस्ट 67% है और FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास ऑलमोस्ट 12.4% है, बाकी है पब्लिक के पास। तो इस कंपनी को भी हम डिविडेंड एंड ग्रोथ के हिसाब से वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और अच्छा मौका मिलते ही हम इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ स्टॉक है इन डिविडेंड यील्ड कैटेगरी। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। 2003 में ये कंपनी स्टार्ट हुआ था जब इसका प्राइस अराउंड 250 से 300 के आसपास था। तब से लेके आज का प्राइस अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये ग्रोथ अराउंड 3000% से भी ज्यादा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 2021 में अराउंड 9000 के पास इस कंपनी ने डबल टॉप क्रिएट करके नेगेटिव मूव दिया है और अभी एक बहुत ही अच्छा पैटर्न क्रिएट कर रहा है पॉजिटिव मूव का। इसी मंथ में हम देख सकते हैं कि ह्यूज बाइंग हुआ है। यहाँ पे आप वॉल्यूम कैंडलस्टिक भी देख सकते हो और एक बहुत अच्छा पैटर्न भी क्रिएट हुआ है जहां पे हायर हाई ब्रेक हुआ है। तो मेरे नजर में करेंटली ये कंपनी टेक्निकली बहुत साउंड है, लेकिन हम लोग एक बार फंडामेंटल्स भी देख लेंगे। फंडामेंटल्स खुलते हैं सबसे पहले जो चीज मेरे नजर में आया है वो डेप्थ। इस कंपनी का अगर हम मार्केट कैपिटल देखते हैं और डेप्थ देखते हैं तो डेप्थ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है और हम इस कंपनी को डेप्थ फ्री मान सकते हैं। तो सनोफी एक फार्मा कंपनी है और इनका मेन बिजनेस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल का है। बाकी कंपनी का फंडामेंटल डिटेल आप खुद रिसर्च कर सकते हो। मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ जाता हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्रमोटर होल्डिंग काफी अच्छा है विच इज 60%। FII एंड DII दोनों के पास इस कंपनी का शेयर है और पब्लिक के पास अराउंड 13.5% का है। सो ये कंपनी भी मेरे नजर में बहुत अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए और इस कंपनी का जो करेंट सिचुएशन है वो काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे होगा जो कि कंपैरेटिवली एक बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है। और अगर हम डिविडेंड देखते हैं तो 2018 से 2022 तक इस कंपनी का डिविडेंड मैसिवली इंक्रीज हुआ है और पर्टिकुलरली 2022 में इस कंपनी का डिविडेंड 5700% था। तो आपको मैंने 3 स्टॉक्स बताया जो डिविडेंड एंड ग्रोथ वाइज बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा 3 स्टॉक्स मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं जिसको आप डिटेल में रिसर्च कर सकते हो। वो है नैल्को यानी नेशनल एल्यूमिनियम, इस कंपनी का भी ग्रोथ एंड डिविडेंड अच्छा है। CESC, इस कंपनी का भी चार्ट देख सकते हो आप, ग्रोथ वाइज काफी अच्छा है एंड डिविडेंड भी काफी अच्छा है। एंड द लास्ट वन इज बैंको इंडिया। तो ये सारे स्टॉक्स आप खुद रिसर्च कर सकते हो और आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। बहुत ही जल्दी मैं एक स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ जिससे आप इन्हीं कंपनीज को लो में खरीद सकते हो। मतलब जब ये स्टॉक एकदम अंडर वैल्यूड होगा उस टाइम पे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो स्ट्रेटेजी को यूज करके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरा एनालिसिस अच्छा लगा है, देन लाइक जरूर करना। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच।